हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सूरज और मैं आज आपको स्ट्रक्चर ऑफ ए ड्राई इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बताने जा रहा हूं। एक स्टूडेंट का डिमांड था कि सर बताइएगा स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल के बारे में, बता दीजिएगा, थोड़ा जानकारी दीजिएगा इसके बारे में। तो आइए चलते इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि एक ड्राई सेल का मैंने स्ट्रक्चर बनाया साधारण तरीके से। इसको अलग अलग कलर से कलर कर दिया है मैंने। सबसे पहले हम लोग कार्बन रड के बारे में, ये जो है एक ग्रेफाइट का बना हुआ कार्बन का ही रड होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहता है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज को देता है और ये काम करता है एनोड का, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक इसमें से, यहाँ पर देखिए एक लाल रंग से मैंने इसको कलर किया, हल्का सा पेस्ट इस पर लगा हुआ रहता है जो कि MN और आपका कार्बन ब्लैक का एक पेस्ट होता है जो कि इसमें ग्रेफाइट के रड के चारों तरफ रहता है लगा हुआ। उसके बाद देखिए भूरे रंग का जो दिख रहा है, और यह भूरे रंग का जो है वह भी एक पेस्ट है जो कि अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का एक पेस्ट है जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, अब विद्युत अवघटी का काम करता है। अब इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है जो कि रासायनिक ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। अब देखिए ये जो कलर के, चूँकि मैंने इसको एक सेल है वो कटा हुआ भाग को मैंने अंदर की तरफ के स्ट्रक्चर को दिखाया, तो ये कटे हुए भाग है। ये जो आपको बैगनी कलर का या बैगनी कलर में है, ये जो दिख रहा है आपको, ये रियल में जिंक का मेटल का बना हुआ है और ये चारों तरफ ये कैथोड का पूरा जो है ये कैथोड का काम कर देता है। और ये जो हरे कलर में दिख रहा है यहाँ पर, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर यानी कि अचालक पदार्थ का बना हुआ है ताकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में ये शॉर्ट सर्किट ना करे, इसलिए एक ऐसा माध्यम यहाँ पे बना दिया जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आगे देखिए होइएगा आप, जो कार्बन का रॉड था वो ब्लैक जैसा ग्रेफाइट का दिखता नहीं है, रियल में इसके ऊपर एक कैप लगा हुआ रहता है और ये जो कैप लगा हुआ इसके ऊपर रहता है वो मैक्सिमम जो है वो स्टील का लगा हुआ रहता है और चमकीला होता है पूर्णतः। इसके अंदर में जब आप जो ये डिस्चार्ज हो जाए कोई सेल, ड्राई सेल, आप उसके तोड़ कर देखिएगा तो पूरा ब्लैक ब्लैक निकलेगा, और जब अधिक समय तक इस्तेमाल होता है तो ये जो पेस्ट है वो पूरा गल करके पीछे से या आगे से निकलने लगते हैं और ये पूरा पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। एक बार ये अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो इसे आप दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक प्राइमरी सेल है, सिर्फ वन बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। ड्राई सेल से रिलेटेड कोई अगर सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आपका जो सवाल होगा उसका आंसर दे सकें और हमें ये पता चल सके कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इसमें क्या खामियां हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।